जिले में आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से लोग मतदान करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। वहीं हर मतदान स्थल पर कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करवाया जा रहा है। साथ ही बूथों पर किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, चलिए आपको भी दिखाते हैं संवाददाता राकेश पंत के साथ हमारी ये खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिले में मतदान सुचारू रूप से जारी है। इस वक्त मैं पिथौरागढ़ के देव सिंह इंटर कॉलेज के बूथ पर मौजूद हूं। यहां पर मतदान तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ जो कोविड गाइडलाइन है उसका भी लोगों को पालन कराया जा रहा है। ये काउंटर आप देख सकते हैं यहां पर जो लगा हुआ है, यहां पर जो लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है, बाकायदा उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है और साथ ही जो लोग मास्क में नहीं है उन्हें मास्क भी यहाँ पर दिया जा रहा है और ग्लव्स उनको दिए जा रहे हैं। तो जो कर्मचारी है वो लगातार लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, जो कोविड अभी महामारी चल रही है उसे बचने के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से वो चाक चौबंद की गई है। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस तरीके से आप व्यवस्थाएँ कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन को लेकर? कोविड गाइडलाइन को लेकर जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, हमारा ग्लव्स जो दे रहे हैं सभी को, और ये हमारे मतदाता हैं जितनी इनकी हेल्प कर रहे हैं, सैनिटाइज भी करवा रहे हैं सब। बिल्कुल सर, थर्मल स्कैनिंग भी करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर उनका लिया जा रहा है। तो कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो यहाँ पर सुनिश्चित तौर पर करवाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से कैमरा पर्सन मनोज चंद के साथ मैं राकेश पंत, न्यूज 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।